सारे भाई ने राम राम भाई आ जाए हैं हिसार जिले के गांव काले रावणा में। और काले रावणा में अपने सारणा के घर हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर गांव में काले रावणा में। चलो मैं दिखाता हूँ आपको भाई काले रावणा का गोरवपट। ये देखो भाई, ये है हिसार जिले का गांव काले रावणा। ये देखिए, और ये गोरखपट है और ये बस स्टैंड है। इधर जाता रास्ता आदमपुर और इधर से हम आए हैं, ये है अग्रवा अग्रवा हिसार के लिए। चलिए अंदर चलते हैं गांव में। चलिए भाई, ये है काले रावणा का गर्ल्स के लिए स्कूल। चलिए आगे चलते हैं। देखो काले रावणा है ये गांव जिला हिसार, और ये जो घर दिख रहा है ना, ये अपने सारणों का है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, काले रावणा में ये घर अपने सारणों का है, और मैं आपको दिखा दूँ ये नेम प्लेट। ये देखिए, सारण निवास चौधरी हरि सिंह। और चलिए अंदर चलते हैं, आइए अंदर से दिखा दूँ मैं आपको। ये देखो, ये सुरेश सारण है। ये देखिए घर, ये बैठे हुए हैं, बात करते हैं जरा। राम राम बाबू जी। राम राम। नाम बता दो। सुरेश सारण भाई। अच्छा, गांव? गांव काली रावण। और जिला हिसार? जिला हिसार। अच्छा, तो अपने इस गांव में लगभग कितने घर हैं सारणा के? 28-30 घर हैं भाई। 28-30 घर हैं। अच्छा, तो सारा का आपस में तालमेल बढ़िया एकदम है, एक आवाज में इकट्ठे हुए हैं सारे। सारे इकट्ठे रहे भाई। अच्छा, तो नौकरी पेशा का आप बता रहे थे, हैं बंदे दो तीन? दो तीन क्यों, ज्यादा हैं भाई। अच्छा, दो तो एसडीओ रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, एक मेरे पिताजी थे जो एक्सपायर हो गए, जेई थे। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में थे? पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर में थे भाई। अच्छा, और प्रेजेंट में? प्रेजेंट में एक मास्टर मेरा अपने चाचा का लड़का, अच्छा, साथ वाला जो मकान है, हाँ जी हाँ जी, उसमें जेबीडी टीचर है। अच्छा, एक राजस्थान से रिटायर हुए हैं। अच्छा, और तीन ड्राइवर हैं, रोडवेज में है। अच्छा, एजुकेशन विभाग में है। अच्छा, एक सरकारी बैंक में है। हाँ जी हाँ जी, मतलब नौकरी पेशे में बढ़िया भी होता, ठीक है। हाँ, एक लड़का फौज में है, पूरी सर्विस है। अच्छा, फौज में भी है? हाँ, एक लड़का हमारा राजस्थान में कानून गो है। अच्छा, हाँ मतलब बढ़िया है। हाँ, नौकरी पेशम सेवा भी मतलब पूरी है अपनी। हाँ बढ़िया भाई, सारे द्वारा अच्छा भी होता है। हाँ जी हाँ जी, जमीन भी ठीक है। अच्छा, पढ़े लिखे हमारा में बहुत बढ़िया है, प्राइवेट छोरे भी नौकरी चढ़े हुए हैं। अच्छा, एक लड़का अपना आईलेट्स करे है, विदेश जाने भेजने की कोशिश है। अच्छा, वो भाई यहीं है मौजूद? हाँ मौजूद है। अच्छा, चलो उनसे मिलवाएंगे। अच्छा, तो बाबू जी, हमने सुना आप भी मतलब फुल एक्टिव हो। हाँ भाई, समाज सेवा में गाँव में है। हाँ जी हाँ जी, हर चीज में, खेलों में, और जो स्कूल में एसएमसी भी रहा हूँ मैं। अच्छा, और मैं इनेलो का खेल प्रकोष्ठ का आदमपुर का प्रधान भी रहा हूँ। अच्छा, तो हर चीज में सक्रिय रहते हैं भाई। एक्टिव हो मतलब फुल? हाँ, समाज सेवा में हर चीज में एक्टिव रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो मैंने सुना था, मतलब आप फुल एक्टिव हो। और अपने कुंबे की मतलब एक तरीके से देखे जाए, पूरी साठ गांठ आपके हाथ में, मतलब हाथ में तो क्या, मतलब सबको आप एक साझा करके चलते हो। हाँ, है साझा करके भाई। हाँ, मतलब एक आवाज में अपनी बैठक, ये देखो बैठक है भाई बाबू जी की, सारे आड़े इकट्ठे हुए, एक आवाज में पीछे में आया था तो सारे इकट्ठे हुए थे। बहुत बढ़िया आपस में मतलब तालमेल है। जो आप लड़के बता रहे थे आईलेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ है वो बुला दो एक बार। तो ये भाई तो चलो आ जाएंगे, बाकी और कितने बच्चे कितने हैं आपके? तीन बता रहे हैं। बढ़िया एजुकेशन है मतलब उनकी? हाँ, बढ़िया एजुकेशन है, लड़की एमटेक है। अच्छा, उससे छोटा लड़का एमएससी एग्रीकल्चर। अच्छा, अच्छा, और छोटा लड़का बीबीए करके अब आईलेट्स करके विदेश जाने की तैयारी है। अच्छा, मतलब आपने एजुकेशन का भी गांव में बढ़िया सिस्टम। हाँ, अपने सारणा का बढ़िया छोरा एक हमारा दिल्ली पट गए ना, इस पे एयरपोर्ट भी लग रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल? हाँ, अभी फिलहाल नरेश सारण लग रहा है, नरेश सारण। अच्छा, चलो प्राइवेट भी कई लग रहे हैं। हाँ, अच्छी ठीक है, मतलब हाँ मतलब सैलरी बढ़िया ले रहे हैं, मतलब एजुकेशन करके अपनी कंप्लीट और लाइन पे चढ़ रहे हैं बढ़िया पे। नहीं, अपने एक साथी साथ वाला घर नहीं है? हाँ जी हाँ जी, ये लड़की पीएचडी है, पीएचडी कर रखी उन्होंने। अच्छा,
तो अभी तो मौजूद भी नहीं और अपनी पुत्र वधू है वो भी पीएचडी की तैयारी कर रही है। अच्छा 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 चलो भाई, वो भाई आ रहे हैं दुष्यंत, उनका भी पूछेंगे थोड़ा सा। बाकी काले रावणा की अपने जो परिवार है सारणा का, इसमें एजुकेशन का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया मतलब एजुकेशन है सबकी, बहुत अच्छी नौकरी चढ़ रहे हैं। और ये भाई आ गए अपने दुष्यंत, इन तो मिलवा दिया है, ये कर रहे हैं तैयारी जो बाबू जी बता रहे थे। बसंत, सॉरी बसंत नाम है इनका। अच्छा दुष्यंत बड़े वाले हैं। अच्छा अच्छा ये हैं भाई बसंत, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, पीछे तो मिले थे भाई। अच्छा किस के कर रखे आपने एजुकेशन में, वो बता दो थोड़ा सा। आपा भाई बीबीए कर रखे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ते, अग विदेश जाने की तैयारी है कनाडा। अच्छा अच्छा एमबीए की सलाह आपने। अच्छा अच्छा चलो, आप तो मिलन की एक मतलब बाबू जी ने बताया तो मैं कहा चलो दिखाऊं भाई ने, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला है। सही बात है भाई, चलो चलो ठीक है बसंत भाई। ठीक है भाई, ओके। ये बड़े वाले भाई हैं, क्या नाम भाई? राम राम भाई, दुष्यंत सारण। दुष्यंत सारण, ये बाबू जी के दूसरे लड़के हैं बड़े वाले। तो आपने क्या कर रखा है एजुकेशन में, बता रहे थे बाबू जी? बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है जी, जलंधर। अच्छा। से किया मैंने पंजाब से। अच्छा अच्छा, और मास्टर डिग्री कर रखी है एमएससी एग्रोनॉमी देहरादून। अच्छा, अच्छा। से जी। अच्छा, मतलब पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ रखी, पूरे खींच रखे जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई जी। भाई ये घर था और इसके बगल में ही अपना ये घर भी सारणों का है। टीचर है ये सुरेश हैं, जेबीटी टीचर हैं। अच्छा जेबीटी टीचर हैं, तो आपके चाचा के लड़के हैं? लड़का है चाचा का। हाँ ये सुरेश भाई थे, इनके चाचा के लड़के हैं ये। चलिए ये दो घर अपने सारणा के हैं आड़, और ये देखो नारे नारे, ये देखो। और एसडीओ रिटायर हैं ये बाबू जी, अपने यहाँ ला रहे हैं तो बात करेंगे एक बार। भाई ये बाबू जी बैठे हैं, अब इन तो पूछ लेंगे क्यूकर क्यूकर कौन से डिपार्टमेंट में थे, तो चलिए इन तो बात करेंगे। राम राम बाबू जी। राम राम। नाम बता दो। मेरा नाम राम स्वरूप है। राम स्वरूप सारण। गाँव? गाँव काली रावण। जिला? जिला हिसार। जिला हिसार। अच्छा आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं सिंचाई विभाग में। अच्छा कौन से पद पे थे? मैं रिटायर्ड एज एसडीओ। अच्छा एसडीओ थे आप, अभी रिटायर हो? ना पहले जेई लगे था, उसके बाद एसडीओ तक। हाँ, प्रमोशन हो गई, प्रमोट हुए थे। हाँ जी। अच्छा कितना टाइम हो गया रिटायर हुए? 11 साल हो गए। 11 साल, चौथे महीने में 11 साल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, कितनी एज होगी बाबू जी? मेरी एज होगी 68 ईयर। 68। अच्छा अच्छा, 20 साल की उम्र में मैं जेई लग गया। अच्छा 20 साल की उम्र में जेई लग गए थे, सीधे डायरेक्ट भर्ती हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, जेई भर्ती हुआ। ठीक है ठीक। भाई ये बाबू जी थे, ये एसडीओ रिटायर हुए थे प्रमोट होके, तो अपने लिए प्राउड की बात है, अब तो इंट्रोडक्शन करवा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। भाई काले रावणा में ये घर भी अपने सारणा के हैं, ये देखो दो तीन घर हैं ये वाले भी अपने सारणा के हैं। चलिए आगे लेके चलता हूँ। भाई काले रावणा में अपने दो तीन घर ये आड़े हैं सारणा के, और ये देखो अरे दो तीन घर हैं ये सारणा के। चलो अपना आगे गाड़ में लेके चलो। भाई ये घर अपने हैं यहाँ पे, चार पांच घर हैं आमने सामने, ये देखो ये सारणा के घर हैं ये आड़े। चलो आगे लेके चलते हैं आपको। भाई ये जो घर है ना, ये सारणा के घर हैं आड़े काले रावणा में, चार पांच घर हैं ये भी, देखो आमने सामने, इधर भी और इधर भी ये घर हैं। चलो चलते हैं आगे। भाई एक घर ये है सारणा का अपना, ये देखो गांव काले रावणा, ये देखो ये घर अपना सारणों का यहाँ पे, ये देखो सारण। थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ऐसे अच्छे आर ए आना था, बाकी कोई दिक्कत को नहीं, समझ में आ गया। सारणा घर है ये भी अपने, काले रावणा गाँव जिला हिसार। चलिए मेरे ख्याल सुरेश जी हैं, ये दिखाने लग रहे हैं, पूरे गांव का भ्रमण करा रहे हैं। चलिए देखो काले रावणा में ये घर भी अपना सारणा का है, देखो बढ़िया ठाडे घर बना रखे हैं। ठीक है ये घर भी अपना है सारणा का, और सामने वो भी अपना है, ये दुकान अपने सारणा की है। नाम बता दो जी। सुभाष सारण। अच्छा ये देखो ये सामने घर है, ये भी अपना है, तीन चार घर यहाँ हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। भाई जिला हिसार गांव काले रावणा में ये घर भी अपने सारणा के, ये देखो बढ़िया ठाडी हवेली बना रखी है, बढ़िया काम है, ये भी घर भी अपने सारणा के हैं।
ठीक है। और ये देखो ये घर भी अपने सारणा के हैं, काले रावणा गांव में। ये देखो यहाँ शायद लिखा भी होगा नाम, उन पर तो लिखा हुआ है नाम, बाकी ये देखो बहुत पुराने इमारत हैं, सारे अपने सारणा घर हैं। चलिए देखो ये घर अपने सारणा का है, ठीक है। और आगे ये बीच में एक घर छोड़ के बाकी ये सारे इधर इस गाड़ में अपने सारणा के हैं। ये देखो ये अपने सारे घर सारणा के हैं और बहुत पुराने पुराने मकान भी हैं इनमें। ये देखो और मैं आपने दिखा दूँ सामने टक्कर पे सारण भवन बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये सारे घर अपने सारणा के हैं, गांव काले रावणा जिला हिसार। चलिए हम आए हैं भीतर, तो इस गाड़ में ये घर भी अपना सारणा का है। लगभग लगभग हमने आपको काले रावणा के सारे घर दिखा दिए सारणों के। भाई यो था हिसार जिले का गांव काले रावणा, इसमें लगभग अपने सारणा के 28-30 घर थे, वो सारे मैंने दिखा दिए आपको। और इसमें मतलब सारे सारणा मतलब आपस में पूरे कुटुंब का बहुत अच्छा भाईचारा है, प्यार है, एक आवाज़ में इकट्ठे हुए हैं और बढ़िया मतलब ऑफिसर पोस्ट पर भी रहे हैं, एसडीओ पोस्ट पर भी रहे हैं, इब भी सर्विस में हैं, बहुत अच्छा मतलब फटा काम है। और तो आप इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना भाइयों को जोड़ो चैनल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।